चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। एयरटेल ग्राहकों को जोर का झटका, महंगे होंगे एयरटेल के प्लान। कंपनी के चेयरमैन बोले, एयरटेल इस साल सभी प्लान की रेट्स बढ़ाने पर विचार कर रही। युवाओं को नशे का आदि बनाने की साजिश, शराब की दुकानें 3 गुना बढ़ी। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। त्रिपुरा में 12 बजे से पहले ही बहुमत पा लेगी बीजेपी। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में भी जीतेंगे चुनाव अमित शाह। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में मुफ्त की रेवड़ियों पर लगी लगाम। 30 गुना ज्यादा हुई जब्ती, चुनाव आयोग। 20 रुपए किलो खरीदो प्याज वरना बंद हो जाएगी मंडी, किसानों की सरकार को चेतावनी। आएंगे अच्छे दिन, बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे 200 टीवी चैनल्स, 1 रुपए भी नहीं होगा खर्च। गुजरात के सभी स्कूलों में अब गुजराती पढ़ाना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। दुनिया भर में बजेगा भारत का डंका, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार कर रही काम। 270 रुपए लीटर दूध तो 800 रुपए केजी चिकन। 2500 में चाय की पत्ती, खाने पीने की चीजों के लिए मोहताज हुए लोग। पाकिस्तान में फटा महंगाई बम। पीएम मोदी बोले, आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा भारत। जेम से गरीबों के खाते में सीधे पहुंच रहा पैसा। कई जगहों पर अभी से बढ़ने लगा पारा, गर्मी से होने वाली बीमारी को लेकर केंद्र ने कसी कमर, राज्यों को दिए निर्देश। कृषि उड़ान योजना से 21 और हवाई अड्डों को जोड़ेगी सरकार, किसानों को होगा सीधा फायदा। 1 महीने में गौतम अडानी के $85 बिलियन डूबे, अमीरों के लिस्ट में 3rd से 38वें स्थान पर पहुंचे। भीषण दवा संकट में फंसा पाकिस्तान, जरूरी दवाएं खत्म, बंदरगाहों पर फंसा है करोड़ों डॉलर का सामान। राहुल गांधी की अब पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का होगा दौरा। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे गुट को लग सकता है एक और झटका, विधान परिषद में अपना चीफ व्हिप नियुक्त करेगी शिवसेना। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाओं की खुदरा कीमतें तय, एनपीपीए ने मिर्गी की दवा का दाम भी किया संशोधित। वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भारत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका, 13 देश यूपीआई अपनाने के लिए तैयार। कर्मचारियों के आगे झुकी कर्नाटक की बोम्बई सरकार, हड़ताल की धमकी के बाद 7वें वेतनमान को लागू करने की तैयारी। उड़ीसा में 5 साल में आपराधिक मामलों में रिकॉर्ड 65% की बढ़ोतरी, हत्या की वारदात सबसे ज्यादा। अब घर बैठे मिलेगी आधार से जुड़ी हर जानकारी, UIDAI ने लॉन्च की आधार मित्र सर्विस। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सफाई की ओर कांग्रेस, एग्जिट पोल में दिखा पूर्वोत्तर में बीजेपी ने खत्म कर दिया दबदबा। आपके दोस्त ने किसकी छत्र छाया में देश को लूट लिया, पीएम मोदी के छतरी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। नासा का अलर्ट, पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा एस्ट्रॉइड, टकराया तो मचेगी तबाही। आयकर विभाग ने जारी की सूचना, 31 मार्च तक करा ले पैन आधार कार्ड लिंक, वरना कई तरह के लाभ से रह जाएंगे वंचित। राजस्थान में 18,40,044 बेरोजगार, मंत्री बोले, गलत लोग कर रहे हैं भत्ते के लिए अप्लाई। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक। हरियाणा में बिना मान्यता प्राप्त चल रही 700 स्कूलों पर लगेगा ताला, इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर डाला। कांग्रेस ने अडानी विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग जांच नहीं कराने पर सरकार को घेरा, दस्तावेजों के हवाले से किया दावा। बिना भेदभाव के जनजातीय लोगों को योजना का लाभ मिला, CAA NRC पर बोले अमित शाह। समय से पहले आई गर्मी, कूलिंग प्रोडक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ी, फरवरी में 7 से 25% तक चढ़ी कीमतें। ट्रांसजेंडरों के शिक्षा से जोड़ने की पहल, स्कूलों में अनुकूल माहौल बनाने के लिए NCERT ने जारी किया ड्राफ्ट। छत्तीसगढ़, सेकेंड हैंड गाड़ियों के नाम ट्रांसफर के लिए RTO जाने का झंझट खत्म, बघेल सरकार ने शुरू की नई सुविधा। कांग्रेस से विपक्ष मांग रहा 350 सीटों की कुर्बानी, सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान से नहीं मिलेगी दिल्ली की कुर्सी। वैश्विक बाजार में यूरिया और DAP के दाम घटे, फर्टिलाइजर सब्सिडी घटने से सरकारी खजाने को मिलेगी राहत। अयोध्या में बनेगा RSS का नया मुख्यालय, संघ ने टाउनशिप में 100 एकड़ जमीन मांगी, यह नागपुर से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे CM केजरीवाल ने मंजूर किए, जैन 9 महीने से जेल में, सिसोदिया के पास थे 18 विभाग। धीमी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार, अक्टूबर दिसंबर वाली तिमाही में 4.4% रही GDP ग्रोथ रेट। राजस्थान, गहलोत सरकार पेंशनर्स को घर बैठे देगी भौतिक सत्यापन की सुविधा, 94 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ।
आम आदमी पार्टी कट कमीशन और भ्रष्टाचार की पार्टी, मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी का हमला। जातिगत गन्ना ओबीसी आरक्षण अब बीजेपी कांग्रेस की नई चुनौती। यूपी बिहार से राजस्थान पहुंचा मुद्दा, 5 मार्च को होगा जाट महाकुंभ। केरल में अब ऑटो से पहुंचेगा गरीबों तक राशन, सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरू। कल से फिर महंगी होगी ईएमआई, पीएनबी और एचडीएफसी ने 0.25% बढ़ाई ब्याज दरें। मार्च के अंत तक $790 मिलियन का कर चुका सकता है अडानी ग्रुप, कहा नहीं डूबेगा निवेशकों का पैसा। उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे के बाद डीजे, म्यूजिक बैंड और पटाखे पर प्रतिबंध, यूपी सरकार ने जारी किया नया आदेश। चारधाम यात्रा से पहले डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सर्कुलर किया जारी, सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान। वाह रे टेक्नोलॉजी, अब बिना पास गए कर सकेंगे पार्टनर को किस, आएगी बिल्कुल असली फीलिंग। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, आवारा पशु किसानों की सिर्फ फसल ही नहीं देश का भविष्य खा रहे हैं। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने, भारतीय सेना ने सीमाओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। भारत ने जीता गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, अश्विनी वैष्णव बोले 6G के लिए देश में हो रहा रोड मैप तैयार। भारत में 92% लोगों के मोबाइल पर अब भी आती है अनचाही कॉल, डीएनडी का कोई असर नहीं सर्वे। यूपी पुलिस होगी हाईटेक, बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर और क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप शुरू। एससी से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, सीजीआई ने कहा जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं। भारत में कर्मचारियों की संख्या को दोगुनी करेगी एप्पल, 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। पश्चिम बंगाल का बजट कुल आमदनी का 83% कर्ज चुकाने में खर्च करेगी दीदी। चीन पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, भारत को रूस से मिला तीसरा S-400 मिसाइल सिस्टम। अच्छी खबर, 300 प्लस अस्पतालों में QR कोड आधारित OPD पंजीकरण लागू, पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन से मिलेगी निजात। पीएम आवास योजना को खा गई कुप्रथा, 4000 महिलाओं ने बदले पति, अधूरे रह गए पुराने मकान। उत्तराखंड हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर सरकार सख्त, इस्मा लागू, नहीं माने तो होगी कार्रवाई। यूपी के पूर्वांचल से बीजेपी की पूरी होगी मंशा, 25 जिलों की 26 सीटों को साधने में जुटी पार्टी। सेना भर्ती उम्मीदवारों के लिए बैड न्यूज, साल में एक ही बार आवेदन कर पाएंगे। रिनेमिंग कमीशन गठित करने की मांग खारिज, एससी ने कहा हिंदू धर्म एक महान धर्म है, ये कट्टरता की अनुमति नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो हरियाणा में बिना मान्यता प्राप्त चल रही 700 स्कूलों पर लगेगा ताला, इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर डाला। जी हाँ, हरियाणा में 700 स्कूलों पर ताला लगने वाला है, ये स्कूल बिना मान्यता ही चलाए जा रहे थे, इनकी वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। हरियाणा सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 700 गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल को अस्थायी तौर पर एफिलिएशन दिया था, लेकिन अब इन्हें बंद करने का फैसला किया गया है। इन स्कूलों को नियमों का पालन करने के लिए समय दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 700 स्कूलों को अगले एकेडमिक सेशन से किसी भी नए स्टूडेंट्स को एडमिशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से इन स्कूलों की लिस्ट को इसकी वेबसाइट पर चेतावनी के तौर पर अपलोड किया जाएगा, ताकि पेरेंट्स को इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करने से बचने में मदद मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो कर्मचारियों के आगे झुकी कर्नाटक की बोम्बई सरकार, हड़ताल की धमकी के बाद 7वें वेतनमान को लागू करने की तैयारी। जी हां, कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की धमकी के बाद बोम्बई सरकार बैकफुट पर आ गई है। सीएम बसवराज बोम्बई ने सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की और कहा कि उनकी सरकार 7वें वेतनमान के लिए तैयार है। बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अस्पतालों, परिवहन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना है। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी अपनी 3 मांगों को लेकर सरकार के सामने हैं। कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके अलावा कर्मचारी पुराने पेंशन योजना और कम से कम 40% फिटमेंट सुविधाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं। एयरटेल ग्राहकों को जोर का झटका, महंगे होने वाले हैं सभी रिचार्ज प्लान, चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का ऐलान। जी हां, एयरटेल ने हाल ही में कुछ सर्किल में अपने न्यूनतम रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया था और कंपनी के बेस प्लान की कीमत बढ़ाकर ₹155 हो गई है। एक बार फिर से एयरटेल रिचार्ज प्लान के दाम में इजाफा कर दिया है। भारतीय एयरटेल इस साल अपने सभी प्लान में मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है। दूर संचार कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में यह जानकारी दी। इसका मतलब है कि एयरटेल यूजर्स के लिए मोबाइल सेवाएं वर्तमान की तुलना में आने वाले समय में
महंगी हो जाएंगी। एयरटेल ने पिछले महीने अपने न्यूनतम रिचार्ज के सबसे कम दाम वाले प्लान की कीमत लगभग 57% बढ़ाकर 155 रुपए कर दी थी। यह बढ़ोतरी 8 सर्किलों में की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी पुलिस होगी हाईटेक, बॉडी वन कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर और क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप शुरू। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 650 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर यूपी पुलिस को हाईटेक किया जाएगा। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वन कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड ऑर्डर QRT स्थापित की जाएगी। मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी। विभाग ने पुलिस आधुनिकरण योजना के तहत 1200 बॉडी वन कैमरा खरीदने के लिए 4.8 करोड़ की स्वीकृति दी है। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 641 करोड़ रुपए खर्च कर उच्चकृत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना होने वाली है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही उस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।